मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 जो है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चैप्टर का नेम है द नाइटिंगेल एंड द ग्लोबम। एक ये बेसिकली पोएम है एंड विलियम को कॉपर ने लिखी थी इसकी। तो पहले पोएम देख लेते हैं, छोटी सी पोएम है। वैसे हमने वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, इस पोएम को कवर कर चुके हैं। ए नाइटिंगेल दैट ऑल डे हैड चीयर द विलेज विद हिज सॉन्ग, nor yet an eve is not suspended, nor yet when eventide was ended. इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले ले चुके हैं, जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ मैं। बिगिन टू फील एज वाइल ही माइट द कीन डिमांड्स ऑफ एप्टीटाइट, वैन लुकिंग ईगली अराउंड ही स्पाइड फार ऑफ अपॉन द ग्राउंड। ओके, ये समथिंग शाइनिंग इन द डार्क and knew the glowworm by his spark. So stooping down from the hawthorn top, he thought to put him in his crop. Okay, the worm, aware of his intent, harangued him this right eloquent. Thus right eloquent, did you admire my lamb? Quoth he, as much as I your ministrously. You would abhor to do me wrong as much as I to spoil your soul. For 'twas the self same power divine taught you to sing and me to shine, that you with music, I with light, might beautify and cheer the night. The songster heard his short oration and warbling out his approbation, रिलीज़ हिम एज माई स्टोरी टेल्स एंड फाउंड ए सफर समवेयर एल्स। तो इस तरह से छोटी सी स्टोरी थी, छोटी सी पोएम है ये। इसके क्वेश्चन आंसर हम सेक्शन A1 के देखते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, चार क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। ए है द नाइटिंगेल वॉज हंग्री। सो पहले जो फर्स्ट पेज में जो पोएम आती है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि इट वॉज हंग्री एंड इट वॉज सर्चिंग फॉर फूड आफ्टर, जब उसने खाना खाना छोड़ा तो उसको भूख लगाई थी और वो हंग्री थी। बी है ही ब्रॉट हैप्पीनेस थ्रू हिज सिंगिंग। तो पहले ही नोट, पहले ही फोर लाइंस में आ गया है कि थ्रू हिज सिंगिंग ही ब्रॉट हैप्पीनेस। ही वर्स पर्च, पर्च मतलब एक टहनी पे बैठी हुई थी। ऑन ए हॉथॉर्न, हॉथॉर्न एक पेड़ था, छोटा सा ट्री था, उसमें बैठी हुई थी। एंड डी है ही वॉज गोइंग टू ईट द ग्लोवॉर्म। तो इस तरह से चार ये फिल इन द ब्लैंक्स थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 हम देखते हैं अभी। या क्वेश्चन 2 जो है, हाउ डिड द नाइटिंगेल सी द ग्लोबम, उसने कैसे देखा। तो इसमें कुछ लाइन दी है, स्पाइड फार ऑफ ऑन अपॉन द ग्राउंड इज समथिंग शाइनिंग इन द डार्क। तो जब उसने स्पाई किया मतलब देखा कहीं पे चारों तरफ ग्राउंड में, तो उसको कुछ शाइनिंग करते हुए दिखा डार्क में, और उस शाइनिंग से उसको मालूम पड़ा कि यानी न्यू द ग्लोवॉर्म बाई स्पार्क, और इसके स्पार्क से उसको मालूम पड़ गया कि वो ग्लोवॉर्म है। तो वैन नाइटिंगेल वॉज सर्चिंग फॉर फूड, ही सॉ समथिंग वॉज शाइनिंग इन द डार्क एंड द नाइटिंगेल न्यू द ग्लोवॉर्म बाई स्पार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड ही कंज्यूम द ग्लोवॉर्म, नो वाई, एंड द नाइटिंगेल डिड नॉट कंज्यूम द ग्लोवॉर्म, why the glowworm praised the nightingale and said that god has made both of us, he taught you to sing and me to shine. Nightingale, after hearing the speech of the glowworm, has agreed to release him. Now question number 4 hai ki how did the nightingale satisfy his hunger. So as per the poem hai, he released him as my story tells and found a supper somewhere else. So nightingale has found a supper somewhere else and thus satisfy his hunger. तो इस तरह से कि हमने सेक्शन A1 के क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन A2 और A3 सेक्शन के देखेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।